ई बहुते अद्भुत घूमे वाला पेपर का खिलौना हवे। एकरे लिए आपके एगो A4 साइज का पेपर, स्केच पेन और स्केल लगी। एगो A4 साइज का पन्ना लेके ओके आधा मोड़ लें और फिर उनमें से त्रिकोण मोड़ लें। ओकरे बाद बाकी बचल भइल हिस्सा के काट लें। अब आपके हाथ में एगो रेक्टेंगल साइज का पेपर बची, जेकर एगो साइज दूसरे साइज से डबल हवे, दूगो चौकोन आजू बाजू में। अब एक बीच से मोड़ लें और फिर बचल भइल दूगो हिस्सा के वापस बीच बीच में से मोड़ लें। एकरे बाद हम लोग के तीन गो मोड़ल भइल रेखा दिखियाँ। अब एक 8 हिस्सा में और मोड़े के है, एक आधा मोड़ लें और फिर आधा के आधा हिस्सा में वापस से मोड़ लें। अब एकर एक छोड़ लेके एक हिस्सा मोड़ लें, बाकी का तीन हिस्सा दूसरे तरफ मोड़ लें, ऐसे ने दूसरे तरफ कर लें। ऐसे हम लोग के 8 गो मुड़ल भइल हिस्सा दिखेला। अब ये पेपर का स्ट्रिप लेके ओके आधा में मोड़ लें और बीच बीच में मार्किंग कर लें। अब पहले बीच का पॉइंट जोड़ के में तिरछा लाइन मार लें, फिर कोना का हिस्सा जोड़ के तिरछा लाइन मारें। इनमें हम लोग काफ़ी अच्छा, इनमें हम लोग 8 को लाइन मारे नहीं जा, वैसे ने 8 को लाइन दूसरे तरफ भी मार लें। अब एगो स्केल या फुलपट्टी लेके सारे तिरछा लाइन के मोड़ लें, 5 को एक तरफ और 5 को दूसरे तरफ, बहुत ही अच्छा से मोड़े हैं के। अभी आपन इस्तेमाल करे वाला पूरा मॉडल भइल मॉडल हवे। अब स्केल इस्तेमाल करके एकर एगो हिस्सा आखिर का काट लें। अब एकर आखिर का एगो छोर लेके दूसरे छोर के बीच में डाल लें। ऐसे आपन एगो छोर अंदर घुस जाए और हम लोग के 6 को खाना का रेक्टेंगल मिल जाए। अभी 6 खाना से हम लोगों के एगो त्रिकोणीय छत के माफिक एगो स्ट्रक्चर दिखी। अभी त्रिकोणीय रूप में हम लोग देख सके नहीं जा कि हम लोग के त्रिकोण डायमंड तरीका का शेप दिखत हवे। अब दू गो आमने सामने वाला आधा डायमंड अंदर की तरफ मोड़ लें। अब यही तरह दुदू गो डायमंड दूसरे तरफ मोड़ लें और तीसरे तरफ भी मोड़ लें। ऐसा मोड़ने के बाद आपके फूल जैसा आकार वाला डिज़ाइन दिखी। ये फूल के पंख जैसा दिखे ना। अभी फूल के पंखुड़ी वाला हिस्सा अंदर की तरफ मोड़ लें। तीन गो हिस्सा अंदर की तरफ मोड़े के पड़ी आप लोगों के। अब ये मुड़े वाला कागज़ का खिलौना तैयार हुए, आप एक घुमा सके नीजा। ये बहुत ही अद्भुत हुए ना कि आप लोग पेपर का खिलौना मोड़ सके नीजा बिना ओके फड़ ले। आप लोगों में प्रकृति का रचना भी बना सके नीजा। तितली, तितली के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सांप, सांप के बाद पक्षी। ये बहुत ही अच्छा खिलौना हुए।